हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफलता मंत्र। आज हम एक बार फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में मैंने शिक्षक भर्ती से रिलेटेड एक मॉडल पेपर तैयार किया है, जिसमें मैंने सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन रखे हैं, जो कि शिक्षक भर्ती की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज हम इन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं पहले क्वेश्चन से। ये मैंने मॉडल पेपर एक तैयार किया, इसमें लगभग सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन हैं। पहले से देखते हैं क्या है। खा का उच्चारण स्थान बताइए। तो खा का उच्चारण स्थान मैंने आपको मैथ हिंदी की वीडियो में बताया था, तालू से होता है। का वर्ग का ये है। का वर्ग के सभी वर्णों का उच्चारण स्थान तालू होता है। इसके बाद अगला है गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। गद्य की महत्वपूर्ण विधा कौन सी है? कहानी जो है वो गद्य की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस प्रणाली से छात्रों में सक्रियता बनी रहती है? प्रश्नोत्तर प्रणाली से। प्रश्नोत्तर प्रणाली से छात्रों में सक्रियता बनी रहती है, क्योंकि इसमें बार बार शिक्षक प्रश्न पूछता है, जिससे कि छात्र उत्साहित होते हैं उनके उत्तर देने के लिए। तो इससे छात्रों में भी सक्रियता बनी रहती है और शिक्षक में भी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अभियान अधिनियम किस वर्ष बना? तो ये 4 अगस्त सन 2009 में बना था। कब? 4 अगस्त सन 2009 में। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अभियान। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एनपीईजीईएल का पूरा नाम क्या है? नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स इट एलिमेंट्री लेवल। नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए, लिख लीजिए, और नहीं तो पीडीएफ फाइल मुझसे ले सकते हैं आप। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका गठन सन 1964 से 1966 के मध्य में हुआ था। इसका बोर्ड का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? ये अठारह सौ चौवन में बोर्ड का घोषणा पत्र आया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची में है? यह संवर्ती सूची में। संवर्ती सूची का मतलब होता है ये केंद्र व राज्य दोनों के लिए होती है, तो ये संवर्ती सूची में है शिक्षा, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना क्या है? प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराने की योजना को ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी ऑफ एजुकेशन बुक के लेखक कौन है? ये जॉन डीबी, इन्हें जॉन ड्यूबी भी कहते हैं, वैसे जॉन डीबी है इसका आंसर, डेमोक्रेसी ऑफ एजुकेशन बुक के लेखक। अगला क्वेश्चन है, अनिवार्य शिक्षा का संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रावधान किया गया? ये अनुच्छेद 45 के द्वारा किया गया प्रावधान अनिवार्य शिक्षा का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन है? तो ये है चार्ल्स पियर्स को प्रयोजनवाद का जन्मदाता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, भूमध्य ताप वृद्धि किसे कहते हैं? पृथ्वी के ताप में क्रमशः आने वाली वृद्धि को भूमध्य ताप वृद्धि कहते हैं। क्या होता है, जब पृथ्वी का ताप क्रमशः जिस प्रकार से बढ़ रहा है, तो ये जो ताप में वृद्धि हो रही है, इसी को भूमंडलीय ताप वृद्धि कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फ्रॉबेल द्वारा किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया गया? फ्रॉबेल के द्वारा किंडरगार्टन में शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया गया, जो कि खेलकूद से रिलेटेड है और ये बच्चों के लिए होती है, प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है? इसके दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक गिजू भाई हैं, गिजू भाई, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, टैगोर ने शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना कब और कहाँ की? तो ये सन 1990 में बोलपुर में की थी। इसके बाद है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है। जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, सब में लगभग साइट्रिक अम्ल ही पाया जाता है, याद करिए। नींबू में, सिरका में, सब में साइट्रिक अम्ल होता है, साइट्रिक एसिड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी का सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? तो सूर्य की रोशनी, सूर्य का प्रकाश जो होता है, ये विटामिन डी का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता स्रोत है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं?
तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये जो होते हैं ये सब वसा में घुलनशील विटामिन होती है। ए डी ई के, एडेक, ए डी ई के याद रखिएगा, एडेक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दाएं निलय में अशुद्ध रुधिर किस अंग में जाता है? दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर किस अंग में जाता है? तो ये दाएं निलय से फेफड़ों में जाता है। अब इसके बाद अगले बढ़ते हैं, क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्या है भारत में सर्वप्रथम कौन सी ईसाई मिशनरी आई थी? तो भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे, ये याद रखिएगा। सबसे पहले कौन आया था भारत में? तो पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाली ईसाई मिशनरी भारत में आई थी सबसे पहले। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से अन्य सब्जेक्ट पर वीडियो लाऊंगा, ऐसे ही मैं और भी मॉडल पेपर लाऊंगा जिससे आपकी तैयारी हो सके और ये क्वेश्चंस आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, सभी अति लघु उत्तरी क्वेश्चन हैं। अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए हो तो मुझे आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।